अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मोबी किचन। डिलीशियस रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं फिश फ्राई। मच्छी फ्राई की रेसिपी मैं आपको दूंगी, वो भी स्किन निकली हुई फिश की। तो इसके मसाले हम देख लेते हैं कैसे इसे फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये बना हुआ है, आप एक बार मेरे तरीके से इसे फ्राई करके देखें। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या मसाला जाने वाला है। स्टे विद मी। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हम अपने मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मसालों में मैं डाल रही हूँ हमारी राई और लहसुन। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप मसाले को ले लें। तो जी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले देख लें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मेरी 1 kg फिश है, वो भी स्किन निकली हुई दोनों साइड से। मैं इसके मसाले बता रही हूँ, आप कोई भी फिश में ट्राई कर सकते हैं ये मसाले। तो जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। दो बड़े चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। दो बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख लें, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग नमक डाल लें। नमक कम ही डाला करें फिश के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो फिश के अंदर नमक होता है। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। तो जी 2 बड़े चम्मच भर के चाट मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी कंपनी का डाल लें। ये हमारे मसाले हैं, अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर से हमारे मसाले ज़्यादा सूखे हो रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके अच्छे से मसालों को मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो जी यहाँ पे मेरी फिश आ गई है, ये दोनों साइड से स्किन निकली हुई है और थोड़ी सी बीच में से ऐसे कट है। तो हम इसको 2 टाइप में बनाएंगे, पहले तो एक ऐसी फिश बना देंगे और एक हमारी लंबी लंबी फिश है, तो उसका भी मैं आपको इसी के अंदर रेसिपी दे दूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ और पानी सारा निकाल दी हूँ। देखिए ये ऐसी मिश फिश है, थोड़ी सी लंबी लंबी टाइप की उसके साइड का पोर्शन, तो इसको भी हम बना लेंगे, इसमें कांटे नहीं है। तो ये रेसिपी के मसाला आप कोई भी फिश के अंदर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और ये जो हमने मसाला रखे थे साइड में, 1/2 घंटे के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हाथ की हेल्प से पूरे फिश के अंदर तक लगा देंगे। 1/2 आवर तक फिश के अंदर ऐसे ही मसालों को छोड़ देंगे। तो जी 1/2 घंटे के बाद मैं यहाँ पे देखे दिखा रही हूँ आपको, हमारी फिश के अंदर मसाले बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा, आप चाहे तो इसको मैदा या फिर रवे के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। आटे के अंदर आप फ्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो हम सारे फिश को अच्छे से आटे के अंदर लपेट लेंगे और साइड में रख के उसके बाद में हम फ्राई कर लेंगे। चाहे आप डीप फ्राई कर लें या शैलो कर लें। फ्राई करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले लें, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। और इसको अच्छे से हम ऑयल को जला लेंगे, इसका कच्चापन निकाल देंगे। और इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ 2-4 मेथी दाना। और इसके बाद मैं अपनी फिश डालूंगी। फिश डाल के हाई फ्लेम पे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे, अच्छे से हमारी फिश को पका लेंगे।
मैं और भी सैंपल बता दे रही हूँ आपको, आप देख लें ऐसे ही बनाना है। एग्जैक्टली हमें ऐसे ही रख देना है फिश को, और फिश को बिल्कुल टच नहीं करना है एक मिनट तक। इसको अच्छे से हमें ऑयल के अंदर पकाना है। तो जी बाकी का फिश मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाते हैं हमारे फिश फ्राई का फाइनल लुक। ये बहुत ही डिलीशियस बना हुआ है। आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, मुझे नहीं डालना था। इसे हम पकने के बाद लेमन डाल के खाएंगे। तो जी ये हमारा ये भी फिश है, ये भी साइड का पोर्शन है, इसके अंदर कांटे नहीं है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे वन बाय वन करके। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फाइनल लुक है फिश फ्राई का, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी, और इसके मसाले सबसे ज़्यादा लाजवाब है। इसे एक बार आप ऐसे फिश के साथ, कोई भी फिश के साथ ये मसाले ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिश के रिलेटेड मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और फ्यूचर में मैं फ़िश के रिलेटेड और भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में हमारे वीडियो आपको मिल जाए बहुत ही इजीली। तो चले जी अभी हम लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ और नए मज़ेदार टेस्टी यम्मी इजी रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी फिश की रेसिपी की, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। थैंक यू वेरी मच।